हर साल 18 मई को दुनिया भर में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और हमारे भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में भी हर साल विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। इस साल कोरोना महामारी के चलते संग्रहालय की गैलरी तो बंद करनी पड़ी और साथ ही इस प्रकार की जो गतिविधियां थी उस पर भी विराम लग गया। तो कोरोना के चलते हम चाहते थे कि बच्चों की कोई चित्रकला प्रतियोगिता करवाते संग्रहालय में, मगर संग्रहालय में ना करवा के इस बार हमने ये चित्रकला प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई है, जिसमें बच्चे अपने घर में बैठकर कोरोना विषयक चित्र बनाएंगे और वो व्हाट्सएप पे हमें भेजेंगे और जो सर्वश्रेष्ठ 5 चित्र होंगे उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। इसका मकसद ये है कि एक तो जनसाधारण में हमने कोरोना महामारी जो विषाणु है इसके बारे में जागृति पैदा करना है और इससे किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है, इस महामारी से इसके बारे में बच्चों को भी थोड़ा जागरूक करना है। तो इसके साथ साथ ही बच्चों की जो एक प्रतिभा है, मौलिक प्रतिभा जिसमें टैलेंट बच्चों की चित्रकला के प्रति जो है वो भी उभर के सामने आएगी। तो अखबार के द्वारा हमने ये विज्ञापन दिया था कि जो भी स्कूली बच्चे कोरोना महामारी पे अपना चित्र बनाना चाहते हैं वे अपने घर में बैठ के बनाएं और उसे व्हाट्सएप पे हमें भेजें म्यूजियम में और उसका कल हम जो सर्वश्रेष्ठ चित्र होंगे उसका उनके नाम कल हम प्रकाशित करेंगे। आज की इस ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए मैं सभी स्कूलों का और स्कूली बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़कर आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। और इसके अलावा मेरा जन साधारण से भी अनुरोध है कि वे अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, केवल बहुत ज़रूरी काम से वो घर से बाहर निकलें, अन्यथा वो घर में अपने और कई काम है जैसे किताबें पढ़े, टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखें, अपना मनोरंजन से समय व्यतीत करें, मगर जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई हैं इस महामारी से लड़ने के लिए उसका पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि अभी तक इस विषाणु का कोई इलाज नहीं संभव हो पाया है। और जिस प्रकार से दुनिया भर में लाखों की तादाद में कोरोना से लोग मर रहे हैं तो इसका एक ही बेहतर उपाय है कि आप घर में रहें और स्वस्थ रहें और किसी प्रकार के बाहरी लोगों से ना मिलें, ना ही आप बाज़ार में बिना किसी काम से निकलें।